किशोर नंदी जी औद्योगिक विकास मंत्री आए हुए हैं, सर किस तरह के खास है ट्रेड शो? देखिए एक अम्ब्रेला के नीचे यहाँ पूरी देश दुनिया, कल तक हम लोगों ने जब कल समीक्षा करी थी 68,000 लोगों ने बिजनेस टू बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराया था, 500 से ज़्यादा 66 देशों से, दुनिया के 66 देशों से 500 से ज़्यादा लोग जो विदेशी बायर हैं वो लोग आए हैं, और 2000 से ज़्यादा एग्जीबिटर जहाँ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी आपने देखा था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, उनको बायर मिले, बाहर के जो बायर आए हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हो। और अभी देखिए उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, जो दिखाता है। आप जिस स्टॉल में भी जाइए, यूपी में ये भी बनता है, यूपी में ये भी बनता है। निश्चित रूप से जेवर एयरपोर्ट जो तेज़ी से रात दिन काम चल रहा है, जल्दी बन करके तैयार होने जा रहा है। जब हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित है और जल्दी 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। अभी टूरिज्म का आपने देखा होगा, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। भगवान राम की बात करें तो अयोध्या, सबसे प्राचीनतम नगरी काशी वाराणसी की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, भगवान बुद्ध की बात कुशीनगर, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से छोटे उत्पादन करता कैसे इंटरनेशनल बनेंगे, छोटे उत्पादन ODOP कितना सक्सेस मॉडल है, वो लोग जो बनाते थे वहीं लोकल बेचते थे, उनको भी हमने अच्छी पैकेजिंग अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और बहुत नॉमिनल रेट पर उनको यहाँ पर ले करके आए हैं। उन लोगों ने भी अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रोड्यूस किया है और बहुत सारे बायर के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, उनको भी अच्छा मिले। आने वाले वक्तों में और भी कोई ऐसे शो सबका हो? बिल्कुल। ये थे औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी जो कि यहाँ आए हुए। उनका कहना है कि जिस तरीके से छोटे उत्पादक हैं वो आगे आ रहे हैं, उनको हम इंटरनेशनल लेवल का बना रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से अब ये ट्रेड शो आज से शुरू हुआ है, 25 सितंबर तक ये ट्रेड शो होगा, देखना होगा आने वाले वक्तों में कितना फ़ायदा सरकार को इस ट्रेड शो से होता है। सारिफ के साथ दानिश, 12 समाचार, ग्रेटर नोएडा।